मोटी कितनी हो गई रमा एक स्लिम ट्रिम लड़की थी अपने फिटनेस का ख्याल रखने के लिए वो रोज जिम जाती और डाइट का भी खूब ख्याल रखती जिसके कारण वो काफी फिट नजर आती थी उसके फिटनेस का हर कोई दीवाना था उसके फिटनेस देखकर तो उसकी सहेलियां भी उससे जला करती थी एक दिन शॉपिंग पर रमा की सहेली किरण अरे यार देखना कितने सुंदर ड्रेस है मेरा तो बहुत मन कर रहा है इसे लेने का लेकिन क्या फायदा मेरा पेट इतना बाहर लटका हुआ है कि इस क्रॉप टॉप में मैं दो बच्चों की अम्मा नजर आऊंगी अरे तू ध्यान रखा करना अपनी फिटनेस का दिन भर ऐसे ही अनटिशेंट खाती रहेगी तो पेट तो बाहर आएगा ही अरे तुम मुझे छोड़ और ये ड्रेस खरीद ले तेरे ऊपर ना बहुत अच्छी लगेगी भई तू तो हमारी फिटनेस क्वीन है वो तो मैं हूं ही और फिटनेस ना ऐसे नहीं आती उसको टाइम देना पड़ता है बहुत मेहनत करनी पड़ती है वही तो बात है ना यार ये मेहनत ही तो मुझसे नहीं होती अपना तो एक ही सिद्धांत है खाओ पियो मौज करो <laughs> चार दिन की जिंदगी उसमें भी क्या सोच सोच कर खाना और तुझे पता है ना दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी अपनी पसंद का खाना खाकर ही मिलती है और अपनी खुशी के साथ मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती तो ये जो तेरी कमर से बाहर चेर भी लटक रही है ना वो तेरी उन्हीं खुशियों का नतीजा है मेरी माँ तो अब अपनी खुशियों पर थोड़ा लगाम लगा ले वरना ऐसा ना हो कि तेरे वजन का काटा पार कर जाए रमा की बात सुनकर दोनों सहेलियां खिलखिला उठती है कुछ समय बाद रमा की शादी विष्णु के साथ हो जाती है और वो शादी करके अपने ससुराल आ जाती है शादी के बाद देखो रमा बहू हमारे खानदान की यही परंपरा रही है कि बहू सास की जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेती है आज तक सुबह चार बजे उठकर कान्हा जी की सेवा मैं किया करती थी लेकिन अब से ये तेरी जिम्मेदारी है तुझे सुबह चार बजे उठकर नहा धोकर पहले कान्हा जी के मंदिर में दीपक जलाना है उसके बाद जो भी खाना बनाएगी उसका भोग सबसे पहले कान्हा जी को लगाने के बाद बाकी लोगों को खिलाना है ठीक है माँ जी जैसा आप कहें ससुराल के रंग में रंगने के लिए रमा सुबह चार बजे उठकर ही काम में लग जाती है पहले घर की सफाई करती उसके बाद नहाकर मंदिर में दीपक जलाती उसके बाद कान्हा जी को भोग प्रसाद बनाकर उन्हें प्रेम से भोग लगाती उसके बाद पूरे परिवार को चाय नाश्ता देती इस तरह घर में उसके पास इतने काम हो गए थे कि अपने बारे में सोचने के लिए तो उसके पास फुर्सत ही नहीं बची थी सुबह नौ बजे अरे यार सुबह चार बजे की उठी हुई हूँ मैं अब तो भूख से मेरी हालत खराब हो रही है और मम्मी जी का नियम है घर में सबको खिलाए बिना मैं खाना नहीं खा सकती क्या करो कुछ समझ में नहीं आ रहा ऐसा तो मैं सूख के पापड़ हो जाऊंगी ऐसा करती हूँ नमकीन बिस्किट रखे हैं यही खा लेती हूँ अपनी भूख मिटाने के लिए बहू रमा नमकीन और बिस्किट खाकर अपनी भूख शांत कर लेती है खाना बनने के बाद भी जब तक कान्हा जी को भूख नहीं लग जाती मैं तो खाना चख भी नहीं सकती इसलिए मुझे कुछ और ही इंतजाम करना पड़ेगा ऐसा करती हूँ विष्णु से मंगवा कर थोड़ी सी स्नैक्स रख लेती हूँ जब भी मुझे भूख लगा करेगी ना मैं वही खा लिया करूँगी यही सही आइडिया है अगले दिन रमा मैं बाजार जा रहा हूँ तुम्हें अपने लिए कुछ मंगवाना हो तो बता दो अरे रुको रुको मंगवाना है देखो मुझे ना हर घंटे में कुछ ना कुछ खाने की आदत है आपको पता ही है ना शादी से पहले मैं अपनी डाइट के लिए कितनी कॉन्शियस थी इसलिए मुझे हर दो घंटे में कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करता रहता है अब घर में तो इतने काम है ना कि दो घंटे तो क्या मुझे छः घंटे में भी खाने का मौका नहीं मिल पाता आप ऐसा करो मेरे लिए रोज़ शाम को कुछ स्नैक्स ला रख दिया करो ताकि जब भी भूख लगेगी मैं चुपचाप अपने कमरे में आकर खा लूंगी अच्छा ठीक है तो मैं जो भी चाहिए लिस्ट बना कर दे दो मैं ले आऊँगा अब तो रमा का यही रूटीन बन गया था सुबह चार बजे उठने के बाद वो घर के कामों में लग जाती और जैसे ही उसे भूख लगती अपने कमरे में छुपा कर रखे हुए चिप्स पापड़ खस्ता कचौड़िया और मिठाई खाकर वो अपनी भूख को शांत कर लेती और एक बार फिर से काम में लग जाती देखो रमा तुम्हारे लिए बाजार से स्नैक्स खरीद कर लाने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे लेकिन एक बार तुम अपने आप को गौर से देखो तो सही हमारी शादी को अभी सिर्फ चार महीने हुए हैं और चार महीने में तुम्हारे अंदर कितने बदलाव आ गए हैं कुछ नोटिस भी किया है अरे कितनी फिट और स्लिम थी तुम शादी के वक्त और अब देखो अपने आप को क्या हाल बना लिया है विष्णु फिटनेस के लिए टाइम का होना बहुत जरूरी है अरे अपने मायके में मैं पूरा दिन खाली रहती थी टाइम ही टाइम था मेरे पास बस एक ही काम रहता था अपने ऊपर ध्यान देना इसलिए खुद को इतना मेंटेन करके रखा हुआ था मैंने और जब से शादी करके तुम्हारे घर आई हूँ ना यहाँ पर मेरे पास हर चीज के लिए टाइम है बस एक ही चीज के लिए नहीं है और वो हूँ मैं सुकून से बैठ मैं खाना खा लेती हूँ चाट लेकर आना कई दिनों से टिक्की गोलगप्पे खाने का बहुत मन कर रहा है और सुनो उसके साथ ना फिंगर चिप्स भी लेकर आना अच्छा ठीक है मैं ले आऊंगा आप खुश <laughs> बात खुश अरे इतना काम करती हूँ मैं काम करने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए भूखे पेट भजन नहीं होते मुझे ये बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी है इसलिए वजन की चिंता जाए भाड़ में। रमा, आज कुछ हल्का बना लेना कई दिनों से तू लगातार कुछ कुछ ना कुछ तला भुनाई बना रही है ऐसा तो सबकी सेहत खराब हो जाएगी मम्मी जी रूखा सूखा खाना खाकर ना मेरा पेट नहीं भरता अरे बंदा दिन भर काम करेगा तो खाना तो कम से कम अपनी पसंद का खाएगा ना अरे बेटा किसी और के नहीं कम से कम अपनी चिंता ही कर ले तो अपने आप को तो देख मोटी हो गई है अपने साथ साथ हमारी भी शामत बुला रही है ये सब पूरी पराठे और भटूरे खिला, खिला कर। ठीक है आप लोगों को नहीं खाना ना तो मत खाइए मैं आप लोगों के लिए दाल चावल और लौकी बना देती हूँ किसी गलत फहमी में मत रहिएगा मामी जी मैं विष्णु से अपने लिए पिज्जा मंगवा कर खाऊंगी पेट भर के नहीं खाती हूँ तो मुझे कमजोरी महसूस होने लगती है रात की ग्यारह बजे अरे रमा ये कैसी चप्पड़ चप्पड़ की आवाज आ रही है विष्णु लाइट ऑन करता है तो देखता है रमा कमरे में बैठी रसगुल्ले खा रही है रमा ये कौन सा टाइम है रसगुल्ले खाने का मैं तो सो भी चुका था और तुम यहाँ अपनी सेहत का जरा सा भी ख्याल नहीं है अरे मोटापा देखो अपना हुआ क्या है तुम्हें अरे जब चार आदमियों का काम मैं अकेले करती हूँ तो खाऊंगी भी ना सो जाओ आप मुझे कुछ नहीं होने वाला सुबह बेटा रमा शाम को बुआ जी के यहाँ चलना है उनके पोते का जन्मदिन है तैयार हो जाना ठीक है मम्मी जी शाम को रमा पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है लेकिन उसे तो शादी के समय तैयार किए हुए ब्लाउज ब्लाउज में से एक भी फिट नहीं आ रहा था किसी तरह से लाए खोल कर वो एक साड़ी पहन कर बर्थडे पार्टी में पहुंच जाती है पार्टी में अरे भाई रमा कितनी मोटी हो गई है तू तो हम तो तुमको एक बार देख कर पहचान भी नहीं पाए भाभी ऐसा क्या खिला दिया इसको बिल्कुल गुब्बारे की तरफ भूल गई है हरे बुआ जी आपको पता ही है ना कितनी फिट थी मैं शादी के समय बस ससुराल का पानी सूट नहीं किया मुझे जब से यहाँ आई हूँ दो ही रोटी खाती हूँ फिर भी पता नहीं क्यों वज़न बढ़ता ही जा रहा है बेटा तेरा वज़न पानी से नहीं वो जो तू ठूस ठूस के जंक फूड खाती है ना अपने कमरे में बैठ के उससे बढ़ रहा है जब हर समय जंक फूड खाकर पेट भरा रखोगी तो रोटी खाने की भूख ही नहीं लगेगी ऐ पेट में जगह ही कहाँ बचती होगी रोटी खाने के लिए और ये मत समझना तुम कमरे में बैठ कर खाती हो तो हमें पता नहीं चलता अरे पता हमें सब रहता है अरे बेटा थोड़ा कंट्रोल करा करो ये ब्लाउज देखो ऐसा लग रहा है अभी फट जाएगा बेचारा रमा की सास का इस तरह सबके सामने उसको जंक फूड खाने के लिए ताना मारना रमा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था इसलिए पार्टी से लौटकर नाराज होकर वो अपने मायके चली जाती है अरे यार रमा तू तो अपने मायके आई हुई है और तूने हमें बताया भी नहीं कितनी मोटी हो गई यार ऐसा क्या खा रही है ससुराल में तूने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया अरे बस करो ना यार मोटी हो गई मोटी हो गई सुन सुन के मेरे कान पक गए ऐसी कौन सी ज्यादा मोटी हो गई हूँ मैं ठीक है तो हाँ पचपन किलो से पचहत्तर किलो की हो गई है और तुझे लग रहा है तू ठीक है अरे यार तू तो सबको फिटनेस का पार्ट पढ़ाती थी तुझे क्या हो गया क्या बताओ यार ससुराल में इतना काम है ना कि काम करने के बाद मुझे बहुत भूख लगती है फिर समझ में नहीं आता सामने रखी चीज़ हेल्दी है अनहेल्दी मन करता है बस टूट पड़ो वो सब तो ठीक है मैं समझ रही हूँ तेरी नई नई शादी है काम का प्रेशर ज़्यादा होगा लेकिन ये जंक फूड खाने की बजाय कुछ हेल्दी ऑप्शंस क्यों नहीं रखती अपने पास मुझे देख मैंने दस किलो वजन कम कर लिया अरे तू ही तो मेरी इंस्पिरेशन थी यार तू खुद मोटी हो जाएगी तो कैसे चलेगा चल मैं तुझे तेरा डाइट प्लान बना कर देती हूँ जिसमें तू जी भर के स्नैक्स भी खा सकती है और मोटी भी नहीं होगी सहेली किरण की बात रमा को समझ में आ जाती है और वो फिर से अपने फिटनेस के लिए सीरियस हो जाती है ताकि उसे कोई और ना कह सके अरे तू तो कितनी मोटी हो गई